हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड शुगर, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग किसे कहते हैं। यह रोग मनुष्यों में इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। यह हार्मोन्स की वजह से होता है या शरीर की दैनिक क्रियाओं की वजह से होता है, इन सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे जानते हैं कि ये शुगर रोग जो होता है, डायबिटीज़ रोग होता है, ये कैसे हो जाता है। तो हमारे शरीर में एक आर्गन होता है जिस आर्गन का नाम होता है पैनक्रियाज आर्गन। ये पैनक्रियाज आर्गन क्या करता है, एक प्रकार का हार्मोन्स क्या होता है स्रावित करता है, जिस हार्मोन्स का नाम होता है इंसुलिन हार्मोन्स। तो यह जब हार्मोन्स क्या होता है, इस इंसुलिन हार्मोन्स कम बनने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। या हम कह सकते हैं शुगर या डायबिटीज रोग इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन्स हमारे शरीर से कैसे कम होता है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी जो वजह होती है, मुख्यतः वजह तो बहुत होती हैं, जो मुख्यतः वजह होती है दो होती है। पहली वजह जो होती है, ऐसे व्यक्ति जो व्यायाम या कोई वर्क नहीं करते हैं, इन लोगों में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित कम होता है। या ऐसे व्यक्ति जो ऑफिशियल वर्क ज़्यादा करते हैं, यानी कि बैठ के वर्क ज़्यादा करते हैं, तो इस कंडीशन पर भी क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है स्रावित जो होता है वो कम होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो मधुमेह होता है, शुगर होता है या डायबिटीज होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है, व्यक्ति को बाथरूम यानी पेशाब क्या होता है, बार बार आता है। और दूसरा जो होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, फिर सर का दर्द होता है, थकान होता है, हाथ पैर में दर्द होती है, बेचैनी होती है, झुनझुनाहट होता है, वजन घटता है, आँख की रोशनी कम होती है, इत्यादि क्या होते हैं सिम्टम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि लो ब्लड शुगर होने से शरीर का कौन सा आर्गन क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका शुगर का लेवल क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, नॉर्मल से कम, यानी कि 70 से 110 या 140 की बीच जो वैल्यू होती है, इससे कम होने से क्या होता है, शुगर लो हो जाता है। ये शुगर लो होने से क्या होता है, किडनी डिसऑर्डर, यानी किडनी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिसऑर्डर कर देता है। हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर डिसीज हो सकती है, और पैनक्रियाज में क्या होता है, कैंसर होने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है कम बनता है और ज़्यादा भी बनने लगता है, जिससे क्या होता है, शुगर कम और ज़्यादा होने लगता है। तो शुगर कम होने पर व्यक्ति को क्या क्या खाना चाहिए। शुगर कम होने कंडीशन पर पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे फल ज़्यादा खाने चाहिए, फलों का रस का सेवन करना चाहिए, और शहद खाना चाहिए, चीनी खानी चाहिए, और मिठाई इत्यादि का सेवन ज़्यादा करने से क्या होता है, शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाता है। और अब इसके बाद देखते हैं कि हाई ब्लड शुगर होने से शरीर का कौन सा आर्गन ख़राब होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका शुगर का लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है या बढ़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस व्यक्ति के शरीर का कौन सा आर्गन इन्फेक्टेड हो सकता है या ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, किडनी डिसऑर्डर, यानी किडनी जो होती है वो क्या होती है, अपना फंक्शन कम करने लगती है, क्योंकि किडनी का जो काम होता है वो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, डायलिसिस विधि के द्वारा क्या करती है, शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें किडनी यानी किडनी की जो ब्लड रक्त नलिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, और आँख की रेटिना क्या होती है वो भी ख़राब होने लगती है। यानी कि शुगर का लेवल ज़्यादा होने पर एक कंडीशन हो जाती है। तो शुगर का लेवल कम होने पर पेशेंट को या व्यक्ति को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, मीठी चीज़ यानी कि जो मीठा होता है उसको नहीं खाना चाहिए, आलू का सेवन नहीं करना चाहिए, चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो मेडिसिन्स होती हैं, यानी कि अगर किसी भी पर्सन का शुगर का लेवल क्या होता है, कम होता है, शुगर लो होता है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, जो घरेलू उपाय होते हैं, चीनी होता है, शहद होता है, फल होते इत्यादि देने से क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाता है। बट अगर किसी पेशेंट का क्या होता है, शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, उस पेशेंट को क्या होता है, वो मेडिसिन दी जाती हैं। जो मेडिसिन क्या होती है, मेडिकल स्टोर में आसानी से अवेलेबल होती हैं, जो कि ग्लाइकाइंड एम नाम से आती है, ग्लाइकाइंड एम टू नाम से आती है, ग्लीम स्टार नाम से आती है, इत्यादि नामों से क्या होती है, मेडिसिन जो होती है स्टोर से मिल जाती हैं, और पेशेंट को उसको खाने से क्या होता है, उसको काफ़ी रिलीफ होता है। आशा करते हैं कि आपको ब्लड शुगर के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। ओके, बाय।